बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है, आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा आप नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। तीन बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक? बच्चे सड़क पर उतरे हैं, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक तो कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे, अब यूक्रेन जा रहे हैं, मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इनका सीना है। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है, आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा आप नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। तीन बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक? बच्चे सड़क पर उतरे हैं, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक तो कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे, अब यूक्रेन जा रहे हैं, मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इनका सीना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।